नहीं, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। बिंदिया, बिंदिया। अरे पिताजी आप? हाँ बढ़िया। मैं वैसे मेरी बिटिया रानी क्या कर रही थी? कुछ नहीं डैडी, बस ऐसे ही अपने रूम में थी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन बिटिया तुम्हें एक खुशखबरी देने आया था मैं। कौन सी खुशखबरी? मैंने तुम्हारी रिश्ते की बात की है। मेरे रिश्ते की बात की आपने? हाँ बेटा। पिताजी एक बात बताओ मुझे। बोलो। क्या मैं आपके ऊपर बोझ हूँ? नहीं नहीं बिटिया, कैसी बातें करती हो, कभी बेटी बाप के ऊपर बोझ हुई है? तो फिर मेरी इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहती? अरे मेरी गुड़िया रानी, एक ना एक दिन देखो बेटी पराया धन होती है और बेटी को एक ना एक दिन अपने घर जाना पड़ता है। लेकिन क्यों जाना पड़ता है? बिटिया इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि बाप का घर उसका संसार नहीं होता, उसके पति का घर ही उसका संसार होता है। ओफो डैडी, लेकिन अभी मेरी शादी की इतनी जल्दी क्या है? जल्दी नहीं है, बस चाहता हूँ कि कल को ये शरीर मेरा रहे ना रहे, कम से कम मेरी आंखों के सामने मेरी बिटिया रानी फिदा तो हो जाए। लेकिन डैडी मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? सब सीख जाते हैं बेटा, सब सीख जाते हैं, जब अपने ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं। ठीक है, सब सीख जाते हैं। चलो अगर मैं शादी कर भी लूं तो मेरी एक शर्त होगी, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे साथ जाएंगे। कौन सी शर्त है? हाँ। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? बेटी के साथ कभी बाप गया है? हेलो निरंजन। अरे लगता है स्वामी जी आए मंदिर के, मैं देखता हूँ बेटा। आयुष्मान भव। कैसे आना हुआ गुरुवर? ठाकुर साहब मंदिर का निर्माण हो चुका है। अरे वाह, हमारे सपनों का मंदिर बन चुका है। ठाकुर साहब आपकी दरिया दिली ने इस मंदिर को पूरा मुकम्मल कर दिया है। आप जैसे लोग रहेंगे तो ऐसे ही मंदिर बनते रहेंगे। आपके धन से, आपकी कृपा से मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका। मेरा कोई धन नहीं था गुरुवर, ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है। धन तो हाथों का महल होता है, धन तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन ईश्वर की कृपा हर एक इंसान पर नहीं होती। पुजारी जी हम समझ गए कि आप यहाँ क्यों आए हैं। आप यही चाहते हैं ना कि हमारे परिवार के हाथों ही उस मंदिर का जल अभिषेक हो। जी ठाकुर साहब। आप निश्चिंत रहिए, मैं अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर जरूर आऊँगा। धन्यवाद हो ठाकुर साहब। बेटा रंजीत, रंजीत। हाँ जी पिताजी। प्रणाम। खुश रहो। ये कहाँ चल दिए तुम? अरे पिताजी आपको पता है कि हमारे तो खानदानी शौक है शिकार, तो हम जा भी किस चीज पर सकते हैं, शिकार पे जाएंगे ना। बेटा वो बात तो सही है। हाँ। लेकिन जब से हमारे पिताजी मरे हैं और उन्होंने हमसे कहा था कि बेटा दुनिया के सारे काम कर लेना लेकिन शिकार मत करना, क्योंकि जानवरों को मारना अपराध होता है। देखिए पिताजी, पर आप एक बात बताओ पिताजी कि हमारे इस राजमहल में जितने भी शेरों की खाल लटकी हुई हैं, जानवरों के इत्यादि इत्यादि चीज़ें लगी हुई हैं, ये भी तो हमारे खानदानी में ये सब चीज़ें की हुई हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बेटा तुम्हारी बात सही है, लेकिन जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने की वो हम नहीं दोहराएंगे। अच्छा पिताजी ये बताइए आप मुझे आवाज़ क्यों दे रहे थे? क्योंकि मैं तो फिर शिकार के लिए निकल रहा था, तो आपने नहीं, 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 देखो, आज हमारे जिस मंदिर का हमने निर्माण कराया था वो संपूर्ण हो चुका है, और हमारे मंदिर के पुजारी सब सारे पुजारी ये चाहते हैं कि उस मंदिर का जल अभिषेक हमारे परिवार के हाथों हो। सच पिताजी? हाँ बेटा। अरे तो ये शिकार पर तुम बाद में जाना। ओहो क्या पिताजी, मतलब आप, मैं मानता हूँ आप ओल्ड हैं, क्योंकि आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस मंदिर का निर्माण कराएं, पर पिताजी हम तो यंगस्टर हैं और आपको पता है फैशन का जमाना है, तो हम पे ये चीज़ शूट नहीं करती। मंदिर मंदिर आप कराइए इस चीज़ को। बेटा तुम हमारी बातें को समझते क्यों नहीं हो? हम अपने घर के ही कर्ता धर्ता नहीं है, हम इस गाँव के भी कर्ता धर्ता है, तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा माना जाता है, और पुजारी जी का आदेश है कि हमारे परिवार के हाथों से ही उस मंदिर का जल अभिषेक हो। देखिए पिताजी आप करता धरता हैं तो आप ही रहिए, आप इस काम को करिए, मुझसे प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, मुझसे इस काम की मत कहिए, क्योंकि मैं शिकार के लिए लेट हो रहा हूँ और मुझे जाने दीजिए। ठीक है चलता हूँ।
चलो, ये औलाद दिन पे दिन नाकारा होती जा रही है, लेकिन कुछ नहीं, अभी बच्चा है, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। अरे इतनी सुबह सुबह। अरे दीदी, जा कहाँ रहा है तू? मैं जा तो शिकार पर आता। एक बात बताओ वैसे, हाँ। पिताजी को कुछ घोटके तो नहीं खिला दिया? हो क्या गया है ना? क्यों क्या हो गया? अरे एक बात बताओ, इनकी बुद्धि खराब हो गई? ये बताओ, ये कह रहे थे मुझसे कि मंदिर के निर्माण के लिए चलना है। दीदी हम यंगस्टर हैं और ये कोई फैशन का जमाना है, ओल्ड जमाना नहीं है। यंगस्टर होने के साथ साथ ये मत भूल कि हम एक संस्कारी भी हैं। हाँ, तुम भी संस्कारी हो गई, वो ढोल ले लो और उसे पीटो, संस्कार। वैसे तुम्हारी अब उम्र हो गई है, अब शादी करो और निकलो यहाँ से। ओ सुन, पहली बात तो ये कि मैं तेरा कुछ खा नहीं रही, अभी मेरा बाप जिंदा है जो मुझे खिला रहा है। चुप रहकर ठीक है, पहले तू अपनी जबान संभाल के बात करना, ठीक है? और वैसे भी तेरी तरह आवारा गर्दी में मैं घूमती रही हूँ। मैं बड़ा हूँ तुझे पता नहीं है? कौन बड़ा है? नहीं तू बड़ी है तो, लेकिन फिर बहन भाई हैं तो मैं तो बोलूंगा, बस 10 बार बोलूंगा मैं। ये बंदूक लेके पूरा दिन ऐसे आवारा की तरह घूमता है, कभी पिताजी से पूछा है? अरे पूछा है मैंने कि पिताजी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे वो हमेशा मंदिर के निर्माण के लिए अगर वो कह भी रहते तो क्या हो गया? अरे यार दीदी एक बात बताओ, वो भजन भाव में लगे रहते हैं। और सुनो देखो, और वो ना वो मंदिर के निर्माण के लिए, अब एक बात बताओ, वहाँ पे सारे बड़े बूढ़े बैठे होंगे, बुजुर्ग बैठे होंगे, और हम जाएंगे वहाँ पे तो कैसा फील होगा यार? मत भूल के आने वाले समय में तू भी उन्हीं बड़े बूढ़ों में ही बैठेगा। मैं कैप्सूल खाऊंगा और मैं जवान रहूंगा, मोटा ताजी। अगर ऐसी दवाई हो ना इस हिंदुस्तान में तो सबकी इच्छा होती है जवान रहने की। और देख सुन, ऐसा है फालतू की बक 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 ना ये ससुराल में जाके करियो, यहाँ मत करे, ठीक है? मेरा दिमाग खराब मत कर, नहीं तो ये दिख रही है क्या? इन चीजों से मुझे मत डराया कर, पता नहीं कब सुधरेगा। अरे कोरी कली कहाँ जा रही हो? देख रंजीत, तू मेरा रास्ता मत रोका कर। अच्छा इधर आओ जाने मन, इधर आओ पहले तो। अब तुम्हारा रास्ता हम नहीं रुकेंगे तो रुकेगा कौन? देख रंजीत, तुझसे कई बार बोल दिया है, अगर तूने ज्यादा हद की ना तो मैं अपने भैया से बोल दूंगी। अपने भैया से? हाँ। तेरा भैया मुझे मारेगा, हमारे हाथों में तो चूड़ी है ना, और तेरा भैया लाखन सिंह क्या बिगाड़ेगा मेरा? वो डेढ़ पसली का, उसमें एक पड़ गई ना, ये डेढ़ पसली का है। लगता है मुझे कि तूने मेरा भाई देखा ही नहीं है। उसको देख के क्या मुझे, मतलब मुझे उसकी आरती उतारनी है? ऐसा है वो है ना, तो उससे तो डबल है मेरा भाई। एक बात बताऊँ, घमंड मत किया अगर, वैसे भी तू कंधे पे आती है, ऊंची तो नहीं है। लेकिन मुझे अपने भाई का बहुत घमंड है, अगर एक घूसा मार दिया ना तो वहाँ जाके गिरेगा। शायद उसने अभी मुझे नहीं देखा कि हम किस खानदान से हैं, अगर वो जिस दिन मुझे देख लेगा और मेरे बारे में जानेगा ना तो वो भी थर 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 थर। तू उसके बारे में जान जाएगा तो तू थर कांपेगा। तू ऐसा शांत रहकर अपनी जुबान बंद कर ले, बता रहा हूँ, वरना किसी दिन तुझे ब्याह के ले जाऊंगा। तेरी इतनी हिम्मत नहीं जो तू मुझे ब्याह के ले जाए। ओ मासूम कली और अकड़ इतनी के, अच्छा समय आने तो बताऊंगा। भैया आप भी ना शिकार में लगे रहते हो। अरे गौरी क्या हुआ? तो चिंता करती ही नहीं। क्या हो गया, इतनी क्यों भड़क रही है, बता क्या बात है? हाँ क्या हुआ? वो रंजीत रहता है ना इस गांव में। रंजीत? रंजीत तो कई गांव में रहते हैं, किस रंजीत की बात कर रही है तू? आखिर हुआ क्या? जो बंदूक लेके घूमता है वो। अच्छा वो ठाकुर बलदेव सिंह का बेटा? हाँ वही। अरे वो आते जाते मेरा रास्ता रोकता है। क्या? हाँ आते जाते तेरा रास्ता रोकता है? हाँ मुझे छेड़ता भी है। लेकिन क्यों? कहता है मुझसे शादी करेगा। उस साले की ये मजा, पिता एकदम उसके बहुत सीधे हैं और वो कह रहा था तेरे भाई को तो मैं उठा के फेंक दूंगा। देख रही है? लेकिन मैंने भी बोल दिया, मेरा भाई का अगर एक घूसा भी पड़ गया ना तो नाचा नाचा फिरेगा। हाँ क्योंकि मुझे अपने भाई पे बहुत घमंड है। कहाँ वो डेढ़ पसली और कहाँ ये फाइटर असली, एक मारेगा ना तो पसली तसली सब टूट जाएगी। चल तू फिक्र मत कर, मजाक कर रहा होगा, मैं ठाकुर साहब से बात करके उसको समझा दूंगा। और हाँ एक काम कर, इधर क्या कर रही थी? देख अब तेरी उम्र हो चुकी है शादी की और मैं बहुत जल्दी तेरी शादी करने वाला हूँ। मैंने एक तो एक बढ़िया सा लड़का देख लिया है तेरे लिए, समझे? और देख जब से माँ बाप, शादी नहीं करनी है। अरे तो क्या सारी जिंदगी मेरे ऊपर ही बंधी रहेगी तू? देख हर लड़की का एक सपना होता है और हर लड़की पराई होती है और हर लड़की को ससुराल जाना पड़ता है। भैया आपको मेरी शादी की बहुत जल्दी है तो? लेकिन अपने बारे में भी सोचा है?
पहले तो आप ही की शादी होगी क्योंकि मैं तो छोटी हूँ ना, आप बड़े हो तो पहले शादी आपकी होनी चाहिए। अरे मेरी छोटी, मेरी गौरी बहन, तुझे अच्छी तरह पता है कि देख, जब तक देखा था ना माँ ने क्या कहा था कि जब तक मैं तेरे हाथ पीले नहीं कर दूं, जब तक मैं अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। और रही बात शादी की, देख इस गांव के अंदर हमारे पिताजी बहुत ही नामी गिरामी जमींदार थे और उनकी ज़मीन पर आज काफ़ी खेतीबाड़ी होती है। उन खेतीबाड़ियों को देखते हैं और मैं तो बस बंदूक इसलिए चलाता हूँ ताकि खेतों में, इन जंगलों में हमारे कोई जानवर न घुस जाए। और हाँ सारी बात छो, बस उनका जो सपना था तेरी शादी का वो जरूर पूरे करेंगे। अच्छा तू ये बता, तू इतनी हट्टी कट्टी हो गई, सब पढ़ाई वढ़ाई करके शहर से आई है, रोटी शोटी भी बना लेती है कि नहीं? हाँ भाई मैं सब बना लेती हूँ। हाँ तो ले, तेरा भाई सुबह से भूखा है, अपनी रोटी शोटी की बात नहीं करती है। ठीक है अभी तो मैं खाना बना रही हूँ, लेकिन हाँ तब तक हूँ, तब तक जब तक आपकी शादी नहीं हो रही तब तक, जब भाभी आ जाएंगी ना तो मैं बिल्कुल भी खाना नहीं बनाऊंगी। भाभी आ जाएंगी खाने, भाभी की पड़ी। क्या? देख सुन बात सुन, देख यहाँ पर कोई ऐसी लड़की बनी नहीं कि तेरे भाई को रिझा सके। बस देख सारी बात छोड़, मैंने कर्नल साहब का लड़का है शहर के, उनसे बात कर लिए, वो भी ठाकुर हैं और हम भी ठाकुर, इसलिए तेरी शादी उनसे होगी। नहीं पहले आपकी शादी फिर मेरी शादी। अरे ये लड़कियों को क्या जाता है शादी शादी, अभी क्या उम्र लग रही है मेरी, ये 15-16 साल की उम्र, नहीं इतनी तो नहीं है। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। अरे लाखन। नमस्कार ठाकुर साहब। खुश हो बेटा, कैसे आ रहा हूँ? बस दिल तो नहीं कर रहा था ठाकुर साहब के आपके हवेली पे आऊँ, लेकिन क्या करूँ ठाकुर साहब, जिस तरह आपकी इज्जत है ना पूरे गांव में, आपके नाम की कस्में खाते हैं इस गांव में लोग, लेकिन उतनी इज्जत आपकी, आपका बेटा जूतियों पर रौंद रहा है आपकी। क्या? हाँ क्या हुआ बेटा? जाकर पूछिए अपने बेटे से कि बाहर वो क्या गुल खिला रहा है, गांव की भोली भाली लड़कियों को छेड़ता है आपका बेटा। क्या? नादान मत बनो ठाकुर साहब, सारी मोहब्बत अपने बेटे पर आप ही ने तो लुटाई है और आपकी मोहब्बत में वो इतना बिगड़ चुका है कि बाहर की आज बहन बेटियों को छेड़ने लगा। नहीं काका बेटा, मुझे इन बातों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर उसने ऐसा किया है तो तुम चिंता मत करो, और अगर तुम्हारे घर की कोई बहन बेटी है या इस गांव की कोई बहन बेटी है तो वो हमारे लिए भी बहन बेटी है बेटा। ठाकुर साहब, इस गांव की तमाम बहन बेटियां लाखन की बहन की तरह हैं, और अगर और आपका जो हुक्म होता है ना सारे गांव में एक नक्कारे की तरह होता है, हर गांव वाला आपका हुक्म मानता है, लेकिन आपका बेटा आपकी लगाम से बाहर होता जा रहा है। ठाकुर साहब अगर उस पर लगाम लगाई नहीं गई तो वो कल को आपकी पगड़ी दूसरों के जूतों पर ला देगा। बेटा मैं अपनी इज्जत के लिए तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ये बात केवल तुम तक और मुझ तक रहनी चाहिए, बाकी का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे अपने बेटे को कैसे समझाना है वो मैं देख लूँगा। ठाकुर साहब मैं आपके लड़के की शिकायत नहीं करने आया, क्योंकि एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने उस पर लगाम नहीं लगाई तो जंगल में जिस तरह आदमखोर जानवर हो जाते हैं ना, और उन आदमखोर जानवरों के लिए शिकारी होते हैं, कहीं ऐसा ना हो क्या आपका आदमखोर बेटा उन आदमखोर जानवरों की तरह मर जाए। लगता है मुझे रंजीत से बातें करनी होंगी, आज इतनी बड़ी बात वो भी हमारे बचपन के सबसे अच्छे दोस्त के बेटे ने हमसे आके कही है, हमें इस बारे में सोचना होगा, क्योंकि लाखन वो बच्चा है जिसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, अपनी बहन को पाला, अपने माँ बाप के बनने के बाद अपने पूरे परिवार को संभाला। अगर लाखन ये बात कहने आया था तो जरूर लाखन सच बोल रहा होगा, रंजीत से मुझे बातें करनी होंगी। अरे कहाँ से आ रहा है तू? शिकार खेल के आ रहा हूँ। और कहाँ से आ रहा हूँ? शिकार तो खेल के आ रहा है, लेकिन आज तेरा शिकार होगा घर पे। बात बता, पिताजी की इज्जत का जरा सा भी ख्याल है या नहीं तुझे? हुआ क्या? हुआ क्या, आज लाखन आया था घर पे। लाखन? और वो तेरी शिकायत कर रहा था तो उसकी बहन को छेड़ता है, बदतमीजी कर रहा था उससे? गौरी का भाई। और कौन? नहीं तो मैंने कब छेड़ा उसे? मैंने कब छेड़ा उसे? अरे यार वैसे भी तू शकल से लगता है, ठीक है ना, क्योंकि तू ऐसा आवारा है।
और ऐसी आवारा गर्दी हमेशा करता रहता है। अच्छा एक बात बता, मैंने अगर उसे छेड़ा होगा तभी तो वो नहीं आ सकती थी, उसका भाई क्यों आया? अच्छा? उसने झूठी बात बढ़ाई होगी अपने भाई से तभी तो उसका भाई आया। अच्छा और मैं उसके, एक मिनट, अगर मुझे कोई छेड़े, अगर मैं तुझसे आके कहूँ तो तू क्या उसकी आरती उतारेगा जाके? देख मेरी बहन, तू ठाकुर खानदान की बेटी है और रंजीत सिंह की बहन, किसी की इतनी औकात होगी जो तुझे छेड़े? अच्छा लेकिन तेरी इतनी हिम्मत है जो तू दूसरों की बहन बेटियों को छेड़ता घूमे? अरे देख मेरी बहना, हम ठाकुरों का तो यही एक रुतबा होता है, और तू देख इन बातों पे ज्यादा ध्यान मत दे, ठीक है? और मैं पिताजी से बात कर लूंगा, बाकी तू ज्यादा मुझे मत बता। पिताजी है बहुत गुस्से में आज, मैं बात कर रही हूँ। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है तेरे थप्पड़ पड़ने वाला कसके। तूने तो भविष्यवाणी करके रख रखी है ना, पता नहीं कब सुधरेगा ये। तेरे हाथ का खाना खाते खाते बोर हो गया हूँ मैं। हाँ। मैं चाहता हूँ इस घर में एक अच्छी सी, समझ रही ना मेरी बात? समझ गई क्या कहना चाह रही। लेकिन उससे पहले तेरी शादी करूंगा, पहले तुझे यहाँ से, इस घर से निकालूंगा नहीं, तुझे बहुत ही अच्छी इज्जत देके इस गांव से विदा करूंगा मैं। सारा गांव देखेगा, सब लोग देखेंगे, देखो लाखन की बहन की शादी है, लाखन की बहन की शादी, पूरे गांव की दावत होगी। और झूम झूम के तेरा भाई इतना नाचेगा, इतना नाचना तो नहीं आता लेकिन फिर भी बहुत नाचेगा, तू देखना। मुझे पता है कितना नाचोगे, लेकिन अब ये भी बता दो कि वो लड़की कौन है जिसकी शादी का ख्याल जो आ गया है दिमाग में? ले मैं तो तुझसे मजाक कर रहा हूँ, तू लड़की की बात कर रही है? अरे तो है, अरे सांड को कौन लड़की देगा अपनी, काका के सांड, तूने इतना खिला खिला के अपने भाई को इतना मोटा बना दिया है, पता नहीं कोई लड़की अपनी देगा भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? हाँ। मेरे भाई में क्या कमी है? हाँ तेरे भाई में कमी है, कौन सी अच्छाई है? सारी अच्छाई है। अगर अच्छाई होती तो मेरी बहना तू मेरी बात मानती। देख मैं आपकी कौन सी बात नहीं मानती, अब मेरी बात सुन। बोलो। ये तो मजाक कर रहा था मैं, मजाक वाली बात है, मैं चाहता हूँ कि तू इस घर से विदा हो जाएगी ना, बस अब यही चाहता हूँ कि तेरी शादी हो जाए। देख बहन मेरे ऊपर तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है, मेरे ऊपर क्या, दुनिया के हर भाई पे जिम्मेदारी होती है कि उसकी बहन एक अच्छे खानदान एक अच्छे घर में चली जाए, बस तू अच्छे खानदान अच्छे घर में चली जाएगी, उससे ज़्यादा मुझे कभी सुख, जब भी मुझे सबसे ज़्यादा सुख मिलेगा। मुझे बगाने की बहुत जल्दी। हाँ अब रात हो रही है, तू भी जाके सो जा। ठीक है। मैं भी सोता हूँ। हाँ रात भर फिर सोचते रहना। क्या सोचते रहना? मेरी शादी के बारे में। शादी करनी है, शादी करनी है, बस यही दिमाग में रखा रहता है। अरे तो तू उससे देख, तुझे पढ़ा गया लिखा है, अब पढ़ी होके पढ़ के शहर से आ गई, बाबू लगती है तू, हम भी चाहते हैं कि तेरी शादी बाबू कोई पढ़ा लिखा, मैंने कर्नल साहब के बेटे को देखा है बहुत ही अच्छा लड़का है, उससे तेरी शादी होगी ना, देखना फिर। अब जाके मेरी बहन प्यारी से सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। हे भगवान, मेरी बहन को मैंने पाल पोस कर बचपन से इतना बड़ा कर दिया, जिस घर में भी जाए ये राज करे, बस। पिताजी आपने मुझे बुलाया था? हाँ बुलाया था तुम्हें, क्योंकि तुम तो हमारी इज्जत रौंदने पे लगे हो ना। मैंने और इज्जत? इतने नादान मत बनो, बच्चे नहीं हो तुम। तुमने लाखन की बहन को छेड़ा नहीं? नहीं मैं। झूठ बोल रहे हो। अगर तुम हमारे बेटे ना होते ना तो आज हम तुम्हारी जान ले लेते, क्योंकि हमारी बनी हुई इज्जत को तुमने आज इतनी बुरी तरह रौंदा है कि कोई इंसान जिससे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी उसका बेटा आज हमारे दरवाजे तक आया, वो भी तुम्हारी इस नाकारा निकम्मेपन की शिकायत करने। हम तो ये चाहते थे कि हमारा बेटा बहुत अच्छा है, हमारा बेटा बहुत आगे चल के बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन तुम एक नाकारा निकम्मा निकले। ये बेटा तुम्हारे पास अभी भी संभलने का वक्त है, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ये सानो शौकत ये हमें ईश्वर की कृपा से मिली है, हमारी इज्जत करते हैं लोग
और हम नहीं चाहते कि तुम्हारी कुछ गलतियों की वजह से जो हमारी इज्जत इस गांव में है उसको रौंदो मत। और बेटा, तुम्हारे जैसे समाज का नक्का होता है ना, उसी तरह तुम्हारी बाप का नक्का है। तुम्हारी बाप की एक आवाज पर लोग अपनी जान भी देने को तैयार रहते हैं, तो तुम समझदार हो, आगे से ये गलती नहीं करोगे। ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं, जाओ और खाना खा लेना। अरे बिलिया दीदी। अरे गौरी, कहाँ जा रही हो? मैं तो कहीं नहीं जा रही थी, बस तेरे पास ही आ रही थी मैं तो। क्यों, का कुछ काम था? नहीं, बस ऐसे मिलना था। अच्छा, मिलना। हाँ तो बताओ, और कैसी है तू? बस ठीक। और सब ठीक है घर में? हाँ सब ठीक है। अच्छा, और लाखन कैसा है? ओ, अब पता चला क्या? मुझसे नहीं, लाखन भैया से मिलने आ रही थी। नहीं नहीं, मैं तुझसे ही मिलने आ रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तो नहीं, ऐसे मुझे लग रहा है कि लाखन भैया की बहुत ज्यादा फिक्र है तुम्हें। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही है। मैं सब समझती हूँ, बच्ची नहीं हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई? हाँ, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन लाखन भैया पता है क्या सोचते हैं? बस मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाए। क्या पता नहीं शादी शादी की रट लगा रखी है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तेरी शादी हो जाएगी, तू अपने ससुराल चली जाएगी। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे भैया अकेले रह जाएंगे। अकेले क्यों रह जाएंगे? वो भी तो शादी कर लेगा ना। हाँ, वो अकेला क्यों रह जाएगा? पता है, वो तो मुझे पता है कि शादी तो वो करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ वो मुझसे पहले शादी कर ले। पहले मतलब कोई लड़की वड़की देख लिए क्या? अभी तो नहीं। हाँ, अगर लाखन भैया ने कहीं देख ली होगी तो पता नहीं। मतलब और बता तू, मेरे एक बात बता तू, काफ़ी दिन हो गए तू घर पे क्यों नहीं आती? क्या मुझसे नाराज़ चल रही है क्या? नहीं, बस कुछ थोड़ी ना पढ़ाई का काम था, फार्म वगैरह भरे थे तो उसके चक्कर में लगी हुई थी। अच्छा, तेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई ना? पढ़ाई तो कंप्लीट है, लेकिन फॉर्म वगैरह भरे थे, अगर क्या पता जॉब लग जाए। मैंने तेरे लिए मैं शहर गई थी अभी कुछ दिनों में ही लौटी हूँ, तो मैंने तेरे लिए ना बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस लेके आई थी। हाँ तो दी क्यों नहीं? दी क्यों नहीं? तो दिखी क्यों नहीं? इसको मेरे घर भी आ सकती थी ना देने के लिए? घर आने के लिए इतना समय नहीं था। हाँ, कि घर घर बैठ के ही मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है। अच्छा चल छोड़ ये सारी बातें। अच्छा मुझे एक बात पता। बोलो। वो उस दिन मेरे भैया ने तुझे छेड़ा था? छोड़ो ना उस बात को, क्यों लेके बैठी? अरे बताना मुझे, मैं तेरी सहेली नहीं हूँ क्या? बता नहीं सकती वो मुझे? ठीक है, तुम मेरी सहेली भी हो, बहन भी हो। आज काश मेरा भाई सही होता तो तेरा रिश्ता उसके साथ ना हो गया होता, लेकिन क्या करूँ, मेरे भाई में ही कमी है, वो है ही नहीं। कोई सा अपनी लड़की कैसे दे देगा? हाँ एक काम जरूर हो सकता है। क्या? तू जरूर सुधार सकती है उसे। मैं? हाँ। मैं उसे कैसे सुधार सकती हूँ? क्यों, तुम्हें पता है ना तुम्हारे भाई को देखो तो सारी लड़कियाँ फुर्र हो जाती हैं। अरे नहीं नहीं, वैसे भी बंदूक लेके घूमता है, डरती हैं लड़कियाँ उससे। वैसे भी वो तुझे पसंद करता है, तभी तो वो तुझे छेड़ता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मैं उससे प्यार करके उसे सुधार दूँ? अगर वो थोड़ा सही होता तो मैं ये भी कह सकती थी तुझसे। इस बात की क्या गारंटी है कि मतलब वो मेरे कहने से सुधर जाएगा? इस बात की कोई गारंटी तो नहीं है, इसीलिए तो तुझसे हानि कर रही मैं। चलो देखते हैं, चलो घर चलो, कॉफ़ी वॉफी पीते हैं। अब मैं घर क्या करूँगी जाके? अच्छा, क्यों नहीं, मैं घर क्या करूँगी? इसका मतलब मैं रास्ते में मिल गई तो अब घर पे नहीं जाना? अरे चलो राम। नहीं मैं नहीं जा रही अब रहने दे। अरे मेरे लाखन भैया से डर लग रहा है ना, तो लाखन भैया घर पे थोड़ी ना है। तो फिर क्या फ़ायदा? क्यों? नहीं नहीं, मैं फिर कभी आऊँगी। अच्छा ठीक है, लाखन भैया होंगे तब? मैं उससे क्यों मिलने आऊँगी? नहीं मैं तो तुझसे मिलने आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, और वैसे भी वो जब मुझे पसंद नहीं करता तो मैं भी उसे पसंद नहीं करती। क्यों नहीं, चक्कर चलाओ ना, पसंद करने लगेंगे। अरे वो पत्थर है, पत्थर हाँ? भी पलक जाता है, लेकिन वो तो पिलकता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तो अब चल रही हूँ घर पे, क्योंकि अब समय भी नहीं है और पिताजी भी मेरे भाई पिघलते नहीं है। पता है वो क्यों नहीं पिघलते?
उनका दिल ना मेरी तरफ रहता है, वो इसलिए नहीं पिघलते। अच्छा? हाँ, मेरी चिंता वो ज्यादा करते हैं इसलिए। तो तू ही कह देना अपने मैया से कि विद्या आई थी तुमसे मिलने। जब हाँ? भी वो तुमसे मिलने की कोशिश करती है तुम उससे दूर क्यों भाग जाते हो, जब तेरा भाई तेरी बात ज्यादा मानता है तो। चलो आई बड़े अपने भाई की सिफारिश ले ले। ओ चल ठीक है, अब मैं जाती हूँ। ठीक है ठीक है, लखन भैया हो तब आ जाता। अरे बिटिया, बिटिया कहाँ से आ रही है? वो पिताजी मैं वो लाखन के घर से आ रही थी। लाखन के घर से? जी। तो इसमें बेटा डरने वाली क्या बात है, ये तो खुशी की बात है कि तुम लाखन के घर से आ रही हो। बिटिया जो तुम कहना चाहती हो वो हम समझ चुके हैं। हमें पता ही नहीं चला कि हमारी बिटिया रानी इतनी बड़ी हो गई। चिंता मत करो, हमें लाखन पसंद है। क्या पिताजी आपको भी लाखन पसंद है? हाँ बिटिया, वैसे भी उसमें ना पसंद करने वाली कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि लाखन के जो पिताजी थे वो हमारे बचपन के मित्र थे, और लाखन हमारे सामने पला बड़ा, उसने सारी चीज़ें संभाली। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब कोई जिम्मेदार नागरिक हमारे गाँव में होता है, और हम तो चाहते थे कि इस गांव में ही हमारी बिटिया का रिश्ता हो, पर हम इसलिए इस गांव में बिटिया का रिश्ता नहीं करना चाहते थे कि जब तक हम अपनी बिटिया की मर्जी नहीं जान लेते हमें अच्छा नहीं लगता। पर आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, मैं लाखन से खुद जाकर तुम्हारे बारे में बात करूंगा। लाखन बेटा, लाखन। अरे ठाकुर सर। बस बस बिटिया, लाखन कहाँ है? भाई को बुलाना है। ठीक है, मैं भी बुला के लेकर आती हूँ। बिल्कुल बढ़िया। अरे ठाकुर साहब, अरे आइए आइए, आप हमारे घर पे बरसों के बाद। बेटा बस ऐसे ही कुछ बातें करनी थी। ठाकुर साहब बातें तो होती रहेंगी, कुछ ठंडा वंडा कुछ आओ नाश्ता वास्ता ले लेते हैं। चलिए आइए ठाकुर साहब, आइए। बिल्कुल बेटा, बैठिए बैठिए। अरे गौरी। जी भैया। गौरी पानी लेकर आओ जरा। लाती हूँ। अरे गौरी लीजिए ठाकुर साहब। जरा बढ़िया से गौरी चाय बहुत अच्छी बनाती है, चाय बना के लाना है। ठीक है भैया, फिर लेके आओ। बेटा जी ठाकुर साहब, चाय वाय छोड़िए, मैं आपसे बहुत जरूरी बातें करने आया था। ये आदेश करें ठाकुर साहब, आप तो इस गांव के अन्नदाता हैं। नहीं नहीं बेटा, अन्नदाता तो नहीं है, ये सब तुम लोगों का बड़प्पन है कि इतना सम्मान देते हो, इतना प्यार देते हो, हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बेटा हम चाहते हैं, आपके पिताजी हमारे बहुत ही अच्छे मित्र थे। मैं जानता हूँ। जो भी फैसले लिए उन्होंने और हमने एक साथ मिलकर लिए, इस गाँव की नींव हम दोनों ने मिलकर एक साथ रखी, इस गांव को इतना बढ़ावा दिया। हम चाहते हैं कि तुम्हारे पिताजी की जो हमारी साथ दोस्ती थी उसको हम रिश्तेदारी में बदल दें। रिश्तेदारी में? मतलब मैं समझा नहीं ठाकुर साहब। बेटा मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी बेटी बिंदिया मन ही मन तुम्हें बहुत चाहती है। क्या ठाकुर साहब, ठाकुर साहब लेकिन मैंने तो कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं ऐसा। लेकिन बेटा उसने हमें बताया कि वो तुम्हें मनी मन बहुत चाहती है, और हमें भी इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। हम भी चाहते हैं कि जब हमारे गांव में इतना संपन्न लड़का है तो हम उसका भार रिश्ता क्यों करें। ठाकुर साहब मैं जानता हूँ बिंदिया में कोई कमी नहीं है, बिंदिया इस गाँव की सबसे अच्छी लड़की है, लेकिन ठाकुर साहब मेरी मजबूरी है, मैं आपके खानदान में शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिस खानदान की एक नाकारा औलाद हो, जिस खानदान का बच्चा गांव की बहन बेटियों की इज्जत ना करता हो, उस घर में मैं कभी शादी नहीं कर सकता। नहीं बेटा लाखन, तुम्हें गलतफहमी है, मेरा बेटा सुधर चुका है। ठाकुर साहब, सांप को आप कितना ही दूध पिला लो लेकिन वो फन मानना नहीं छोड़ता है। मैं आपकी इज्जत करता हूँ इसलिए आपसे इजाजत चाहता हूँ।
कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना कि तुमने ठाकुर से इनकार कर कर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। भैया, आपने ठाकुर साहब से मना क्यों कर दिया? मना क्यों कर दिया? तुम जानती हो ठाकुर का लड़का रंजीत सिंह इस गांव के अंदर न जाने कितनी बहनों बेटियों की इज्जत से खेलता है, और तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई उस खानदान में शादी कर ले ताकि गांव वाले भी ठाकुर साहब को तो बस इज्जत होती है उनकी, उन्हें अंदरूनी नहीं पता कि गांव के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उस खानदान के बारे में क्या सोचते हैं। अरे थूकते हैं पूरे गांव वाले उस खानदान पर, और तुम चाहती हो कि मैं उस खानदान से रिश्ता जोड़ लूं। लेकिन वो बात ठीक है भैया, लेकिन आपको पता भी है बिंदिया आपसे प्यार करती है। मैं जानता हूँ कि बिंदिया अच्छी लड़की प्यार करती है, और भैया बिंदिया का इसमें क्या कसूर है? रंजीत ऐसा है तो वो कुछ नहीं कर सकती ना। गौरी, उसकी सजा उसको क्यों? गौरी, मैं जानता हूँ कि बिंदिया में ऐसा कुछ नहीं है, बिंदिया बहुत अच्छी लड़की है। मैं भी चाहता हूँ कि बिंदिया इस गांव में खुश रहे और किसी अच्छे लड़के से शादी कर ले, लेकिन मैं इसलिए शादी नहीं कर सकता कि मैं चाहता हूँ कि इस गांव का असली प्रधान और अगला प्रधान मैं बनूँ। बहुत हो चुका उस ठाकुर का राज, अब लाखन सिंह का इस गांव पे राज होगा। लेकिन भैया बिंदिया आपको ही पसंद करती है। क्या बिंदिया बिंदिया लगा रखा है तूने? बस तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना करो, जाओ अंदर। पागल हो गई ये लड़की, ये बोलती है कि उस खानदान में शादी कर लूं मैं जिस खानदान में पूरे गांव में उसकी इज्जत नहीं करता। यही मौका है इस गांव का सरपंच प्रधान सब कुछ बनने का। गांव वालों को सबको मैंने भड़का रखा है। भड़का क्या रखा है? गांव वालों की हर गांव वाला चाहता है कि लाखन सिंह इस गांव का सरपंच बने। ठाकुर साहब, मैं जानता हूं कि आप मेरे पिताजी के दोस्त ज़रूर थे, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि मेरे पिताजी ने उस वक्त आपसे एक वादा किया था कि अगला प्रधान मैं बनूंगा, और आपने मेरे पिताजी को हरा दिया। वो जख्म आप भूल सकते हैं ठाकुर साहब, लेकिन लाखन सिंह नहीं भूल सकता।